हाय, समय के अनुसार ना लोगों के विचार, तरीके और चीज़ें उन्नत होती चली जाती हैं। एक समय था जब लोग धरती को चपटी मानते थे, बैलगाड़ी पर चला करते थे और पशुओं की मदद से खेती किया करते थे। लेकिन अब धरती गोल हो चुकी है, लोग हवाई सफ़र करने लगे हैं और मशीनों की मदद से खेती करने लगे हैं। मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूँ फ्रेंड, उसे ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। सन 1960 के आसपास लोग जो है ना खेती को ज़्यादा महत्व दिया करते थे। उनका यह सोचना था कि हम एक बार मेहनत करते हैं और साल भर बैठ करके खाते हैं, थोड़े से पैसों के लिए हम जो है अपने परिवार को छोड़कर, गांव को छोड़कर, जन्म स्थान को छोड़कर हम कहीं और नौकरी करने क्यों जाएं? ऐसी विचार होने की वजह से लोग मिलती हुई नौकरी को जो है ना ठुकरा दिया करते थे। ठीक सन 1980 के आते आते अधिकांश लोग नौकरी करने लगे और उसमें से कुछ लोग बिजनेस के बारे में सोचने लगे और बिजनेस को अपनाने लगे। उनकी मानसिकता ये थी कि व्यापार में हम जितना चाहे उतनी इनकम कर सकते हैं और नौकरी में एक सीमित आमदनी होती है। हम अपने बिजनेस में जितना मेहनत करेंगे उतनी आमदनी कर सकते हैं। और उसके बाद सन 2000 के आते आते अधिकांश लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में सोचने लगे, समझने लगे और उसे अपनाने लगे। उनकी विचार यह थी कि वह अपने व्यापार को घर बैठे पूरी दुनिया में फैला सकते हैं और अपनी आमदनी को जितना चाहे उतनी बढ़ा सकते हैं। अगर वो 1000 में इनकम कर रहे हैं तो उनकी संभावना लाखों में हो सकती है, और अगर वो 1,00,000 में इनकम कर रहे हैं तो उनकी आमदनी की संभावना करोड़ में हो सकती है। ऐसी सोच रखते हुए उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाया और वर्तमान में आप देखना कि बड़ी से बड़ी कंपनी ऑनलाइन हो चुकी है, छोटे से छोटा बिजनेसमैन भी अपने व्यापार को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बढ़ा रहा है। आप देखना कि जो आज से 20 साल पहले जो डिजिटल प्लेटफॉर्म को समझ चुके थे, आज उनका व्यापार कहीं बेहतर तरीके से चल रहा है। और ऐसे समय में जो बिजनेस करने का एक जो नया सिस्टम उभर कर आ रहा है फ्रेंड, डायरेक्ट सेलिंग और साथ ही साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अगर इन दोनों को समझ लिया जाए और अपने लिए अगर एक सिस्टम बिल्ड किया जाए जो आपके लिए आमदनी जनरेट कर सके, आपके लिए इनकम जनरेट कर सके फ्रेंड, सोचिए कैसा रहेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि समय के अनुसार उन्नत चीज़ों के बारे में सोचना और उसे अपनाना, ये हमेशा मानव जाति के लिए, आपके लिए, हमारे लिए फ़ायदेमंद रही है। पर जब भी पैसे कमाने की बात आती है ना, तो हम फिर वही पुराने विचार लेकर के क्यों बैठ जाते हैं? हम उन्नत चीज़ों के बारे में क्यों नहीं सोच पाते, उन्नत चीज़ों को क्यों नहीं अपना पाते हैं? ठीक है, आप जिस काम को कर रहे हैं उसे करते रहिए, पर जो उन्नत चीज़ें हैं उनके बारे में भी अगर आप सोचेंगे ना, उन्नत चीज़ों को अपनाएंगे तो आपका जीवन और बेहतर हो सकता है, जीवन आसान हो सकती है। आप ध्यान देना कि एक समय में जो लोग अशिक्षित हुआ करते थे तो उन्हें हम अनपढ़ या अशिक्षित कहा करते थे, लेकिन आज के समय में ना, अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में या कंप्यूटर के बारे में अगर आप नॉलेज नहीं रखते हैं तो आने वाले कुछ समय बाद आप खुद को अशिक्षित या अंगूठा छाप जैसा महसूस करने लगेंगे। आप ध्यान देना कि हम जब कभी भी किसी भी चीज़ को अगर आज नहीं अपनाते हैं ना, तो कल के दिन वो कहानी बन जाती है कि काश हमने वो चीज़ें कर ली होती तो वो हमारे लिए कुछ और बेहतर होता। ठीक है, एक समय में हम केवल एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंडेंट हुआ करते थे, पर अब ज़माना बदल चुका है, लोग एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम पर सोचने लगे हैं। बेहतर तो ये फ्रेंड कि हम डायरेक्ट सेलिंग और ऑनलाइन सिस्टम को लेकर के एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करें जो आने वाले समय में विषम परिस्थितियों में हमारे बहुत काम आए और सामान्य परिस्थितियों में हमारे जीवन को और बेहतर कर सके। अब ध्यान देना कि जब भी हम शहर छोड़ करके जाते हैं तो कुछ ना कुछ स्टेपनी लेकर के चलते हैं, चाहे वह क्रेडिट कार्ड को लेकर के हो, चाहे वह डेबिट कार्ड को लेकर के हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। हम सोचते हैं कि विषम परिस्थिति में ये चीज़ें काम आएंगी। अगर हम कार पर चल रहे होते हैं ना, तो वहाँ भी एक स्टेपनी होती है, अगर चक्का पंचर हो जाए तो हम दूसरा चक्का बदल सकें।
ठीक ऐसा ही स्टेप नहीं हमारे जीवन में होना चाहिए फ्रेंड, जो कि विषम परिस्थितियों में हमारे लिए मददगार साबित हो सके और सामान्य परिस्थितियों में हमारे जीवन शैली को और बेहतर कर सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि औरों को भी फ़ायदा हो, और जब हम दूसरों को फ़ायदा पहुँचाते हैं ना तो वह कहीं ना कहीं से लौट कर हमें भी फ़ायदा अवश्य होता है। तो आप मुझे सुन रहे थे विनोद तिर्की को। सी यू अगेन, बाय बाय।